समस्या है वह यह है कि शरीर जो है उस बीमारी से लड़ता है तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, उसका वायरस पे भी असर होता है और उससे ज्यादा उसका अपने बॉडी के ऊपर असर होता है, उसी को स्टेरॉइड कंट्रोल में रखता है और वही सबसे ज्यादा डैमेज करता है। तो मुख्य लड़ाई वायरस से लड़ने की नहीं होती है, मुख्य लड़ाई बॉडी के अपने ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से के साइड इफेक्ट से लड़ने की होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि उन्होंने वैक्सीन लिया उन्हें बुखार नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। सबको नहीं होता, जैसे कोविड बहुत लोगों को होता है, सर्दी जुकाम हुआ और ठीक हो गया, और किसी को जानलेवा हो जाता है, वैसे ही वैक्सीन के साथ भी है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी को थोड़ा होता है, किसी को ज्यादा होता है। जनरली सेकेंड डोज के बाद फर्स्ट डोज से ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। स्टेरॉइड कब और किस कंडीशन में लेना चाहिए, मैं कहूंगा स्टेरॉइड की स्थिति आए तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। सामान्यतः डेक्सामेथासोन का 6 मिलीग्राम वंस डेली का डोज देते हैं, मेड्रोल का 16 मिलीग्राम ट्वाइस डेली का डोज देते हैं, या प्रेडनिसोलोन का 40 मिलीग्राम वंस डेली का डोज देते हैं। कोई भी बीटामेथासोन वगैरह कोई भी ले सकते हैं, ये सब गूगल आपको बता देता है कि किस स्टेरॉइड के बराबर का डोज दूसरा कौन सा स्टेरॉइड होता है। तो इसको लेकर स्टेरॉइड लेने की नौबत आए तो मैं कहूंगा डॉक्टर की सलाह से ही लें, खुद से स्टेरॉइड वगैरह ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उससे इम्यूनिटी कम भी होती है स्टेरॉइड से, आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, आपका डायबिटीज बढ़ भी सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो स्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि आप ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें, वो इसके बारे में आपसे देख लेगा। कोविड से ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन ले सकते हैं, कोविड से अगर आप पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आप वैक्सीन, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए 14 दिन बाद बिल्कुल, जब एकदम आपको डॉक्टर फ्री कर दे क्वारंटाइन वगैरह का, और क्वारंटाइन कर रहा हूँ आइसोलेशन का जो पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोविड में प्लाज्मा लिया है तो आपको 90 डेज तक वैक्सीन लेने की नहीं लेने की सलाह दी जाती, अगर आपको कोविड होने के बाद आपने प्लाज्मा लिया है तो। स्टेरॉइड के बारे में बता दिया, अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे है तो आपको स्टेरॉइड की डेफिनेटली जरूरत है। डेक्सामेथासोन का डोज बताएं, मैंने बता दिया 6 मिलीग्राम, बीटामेथासोन भी कारगर है जी हाँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लें। खांसी बुखार जैसे लक्षण नहीं है तो क्या वायरस के प्रभाव से फिर भी उसका ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है जी, या कुछ अजीब सी बीमारी है इसके बारे में अभी सबको सब कुछ पता है नहीं, तो यह संभव है कि जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वह भी हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है। ऑक्सीजन लेवल गिरने का एक और बहुत बड़ा कारण होता है लंग में ब्लड क्लॉट बनना, और कोविड इन्फेक्शन में लंग में ब्लड क्लॉट बनना जिसको पीई कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आज हमारे रोहित सरदाना जी चले गए, रोहित सरदाना जी चले गए, मोस्ट प्रोबेबली उनको यही हुआ होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ होगा, हार्ट अटैक जिसको कह रहे हैं, वो कार्डियक अरेस्ट है बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स। तो यह एक सिचुएशन है जिसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 94% से नीचे गिर रहा है तो कुछ डॉक्टर आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन या एपिक्सबैन या कुछ ब्रिवोक्सबैन कुछ दूसरी दवाइयां भी देंगे, ये वो दवाइयां हैं जिसके बारे में मैं कहूंगा कि खतरनाक भी हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनसे ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए अपने से ना लें। खांसी बुखार के बाद ठीक हो गए पर टेस्ट नहीं कराया और ठीक हो गए तो वैक्सीन, जब आप बिल्कुल ठीक हो गए उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि आप 14 दिन का कम से कम गैप दे दें। मुझे एक इंजेक्शन लग गया था गलती से पेशेंट का, जिसका मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, मतलब कि पेशेंट का की सुई आपको चुभ गई थी, पेशेंट जिससे आप पेशेंट को सुई दी गई थी वह सुई आपको चुभ गई थी, नीडल स्टिक इंजरी। तो नीडल स्टिक इंजरी का खतरा यह होता है कि आपको कुछ 2 से 3 महीने के बाद आपको कुछ वायरल टेस्ट्स करा लेने चाहिए, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वो बीमारियां हैं जो नीडल स्टिक से एक से दूसरे को हो सकती है। अब आपको अगर उस आदमी के बारे में जानकारी होती तो आप पता कर लेते कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, नहीं पता है
तो आप 3 महीने बाद ये सारे टेस्ट करा। फर्स्ट डोज के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट आया था, बेशक आता ही है साइड इफेक्ट, और सेकेंड डोज के बाद हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट हो या कोई रीजन नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है पहले डोज के बाद आपको एक दिन सर दर्द रहा हो या शरीर में दर्द रहा हो, सेकेंड डोज के बाद आपको 2 दिन रह सकता है, लेकिन यह कोई साइड या रीजन नहीं है कि आप वैक्सीन ना लें। जिनकी बात आप कर रहे हैं सलोनी जी, जब उन्हें इंजेक्शन पड़ रही थी वह 90% मर चुकी थी, इमरजेंसी इंजेक्शन था। वो बात नहीं है, बात ये वो इंजेक्शन क्या आपको पूरा इंजेक्शन लग गया था या उनको पड़ी हुई सुई आपको चुभ गई थी? जब उन्हें इंजेक्शन पड़ रहा था तो वो गलती से मुझे चुभ गया, और तब तक पेशेंट डेथ भी कर गई थी और उन्हें वो इंजेक्शन पड़ा भी नहीं। कोई बात नहीं, तो वो जो सुई आपको चुभी वो आपके पहले किसी और के बॉडी में तो नहीं चुभी थी? नो सर, नो नो नो। तब कोई चिंता की बात नहीं है, तब आप छोड़ दें। और कितने दिन पुरानी बात? सर आज कई बात है, और अभी मतलब जिस हैंड पे मैंने इंजेक्शन पड़ा है ना उसमें बहुत दर्द है, और मतलब मुझे उस हैंड से काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और वो इंजेक्शन में क्या था आपको पता है? नो सर, उस मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि उस पेशेंट को क्या हुआ था और मतलब वो इंजेक्शन किस चीज का था। अच्छा, वो इंजेक्शन वो दवाई पूरी की पूरी आपके शरीर में चली गई थी या सिर्फ सुई चुभी? नो सर, बस थोड़ा सा, और मतलब जहाँ पे इंजेक्शन पड़ा है ना वहाँ से थोड़ा सा ब्लड भी आया है। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, ये इंजेक्शन अगर उन्हें पड़ा होता, उनके शरीर में चुभा होता, तो ब्लड बॉर्न इंफेक्शंस उनसे आपको हो सकते थे, अगर उनको होता कोई बीमारी तो। लेकिन अगर वो इंजेक्शन उनके बॉडी में नहीं चुभाता तो आपके शरीर में सीधा एक सुई चुभी है और कुछ नहीं हुआ। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, तो मेरा जो एडवाइस था उसे आप इग्नोर करें। नीडल स्टिक इंजरी अगर इन्फेक्टेड नीडल से हो तो उसके लिए होती सर। एक हेलो जी, सर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि नहीं 5G की टेस्टिंग के वजह से, रेडिएशन की वजह से भी लोगों में ऐसा कुछ हो रहा है। एक और वैसे वायरल होगा कि राहुल गांधी ने चेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया, तो ये मतलब 5G का रेडिएशन का कोई चक्कर नहीं है ऐसा कोरोना वायरस से? कुल बकवास बात है एकदम, ये इस तरह की बातें फैला फैला के उन लोगों ने दुनिया का बेड़ा गर्क किया। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है इस तरह की बातें फैलाने से, मजा लेते हैं। राजीव जी, मेरे मदर इन लोग को हार्ट का और शुगर दोनों का समस्या है, तो उनको थोड़ा हेजिटेशन है वैक्सीन लेने में। अब आप ऐसे समझें क्या से, कि अगर उनको हार्ट और शुगर की दोनों की समस्या है और अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनको खतरा हमसे और आपसे तो ज्यादा है। जी जी, जब ये वैक्सीन उनको ज्यादा बड़े खतरे से बचा रही है तो ऑफ कोर्स वैक्सीन लेना फायदे की बात। अच्छा, वैक्सीन उनको ज्यादा बड़े खतरे से बचा रही है, क्योंकि अगर उनको हो गया तो उनके जान को ज्यादा खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैक्सीन उनको ज्यादा बड़े खतरे से बचा। ये सब कुछ बेनिफिट वर्सेस रिस्क का कैलकुलेशन है कि आपको फायदा ज्यादा है या आपको नुकसान ज्यादा है। जैसा बताया, नुकसान जो है सो 10 लाख में 4 को है, फायदा जो है वो सबको है। सर, मम्मी को तो है, लेकिन कौन सा वैक्सीन ज्यादा बेटर होगा, एस्ट्राजेनिका का या फिर बायोटेक वाला? बिकॉज बोथ आर, वन इज ऑन आरएनए, वन इज ऑन क्या कहते हैं डिप्रेस्ड कोरोना वन। देखिए सीधी सी बात है, आपको कौन सा आसानी से मिल रहा है? अच्छा, पापा को एक्चुअली अस्थमा है, तो वो थोड़े डरते हैं थोड़ा लेने में, कि अगर कुछ भी अगर वायरस कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाए या समथिंग। तो ये जीवित वायरस नहीं है, ये इन्फेक्टिव वायरस नहीं है, ये ऑफ कोर्स किसी ने बनाया है तो ये सोच के बनाया है, नहीं तो रिपोर्ट आ जाती कि जिनको अस्थमा है उनको नहीं देना है। okay. ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे एक अंकल ने लिया था, उसके 2 दिन बाद उन्हें उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने वैक्सीन दिया था, वे फर्स्ट डोज लेकर आए थे और उसके बाद 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो किस रीजन से हुई तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ।
वो भी रिटायर्ड थे, आई थिंक 60 प्लस ही थे वो। 60 प्लस थे और उनको कोरोना के सिम्टम हुए थे? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं थे। फीवर जो वैक्सीन लेने के बाद आता है वो था, जरूर हुआ था उन्हें। अच्छा। और भी कुछ? और कुछ नहीं था। और पहले 10 साल पहले उन्हें एक बार हार्ट अटैक आया था, 10-15 साल पहले। तो थोड़े घर में लोग ज्यादा डर गए हैं, मम्मी पापा लोग थोड़ा लेने। सामान्यतः एस्ट्राजेनेका से में ये आ रहा है, थोड़े रिपोर्ट्स आए हैं एस्ट्राजेनेका वाले में, थोड़े रिपोर्ट्स आए हैं जिसको बोलते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड ये थ्रोम्बोसिस के केसेस आए हैं, सो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस मिले हैं एस्ट्राजेनेका वाले वैक्सीन में। अगर इस तरह का की चिंता है तो एस्ट्राजेनेका को अवॉइड करें, दूसरा वाला ले लें। लेकिन मैं सामान्यतः कहता हूँ कि जब हमें नहीं पता कि किसको किससे क्या होना है और कोरोना एक बड़ा खतरा है, तो जो पहले मिल रहा है वो ले लें। और अगर बॉर्डर इस तरह का डर है और इस तरह की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बात है, भय बहुत बड़ा है, क्योंकि परिवार में अगर किसी एक को हो गया हो, चाहे वैक्सीन की वजह से हुआ हो या नहीं हुआ, यदि खतरा बड़ा है तो आप मतलब साइकोलॉजिकल डर इसका ज्यादा है तो आप एस्ट्राजेनेका को अवॉइड करें उस केस में। मुझे नहीं लगता कि प्रेग्नेंट लेडीज को मना किया गया है, जी नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं। यहाँ बोला जा रहा था कि जिनको फीडिंग करते हैं वो लेडीज और फिर जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं लेना है। सर कौन बता रहा था, क्या ये कहीं ऑफिशियली कहा जा रहा था? अभी तक तो हम लोगों नहीं ऑफिशियली आया, लेकिन ऐसा बोल रहे थे लोग कि नहीं उनको नहीं लेना है। सर मैं बहुत सिंपल सा काम करूंगा, मैं गूगल करके पूछता हूँ, मैंने पढ़ा था कल, मैंने कल इस बात को पढ़ा था कि प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं। इस जो हम लोगों को एक लिस्ट आती है News about can pregnant okay pregnant women in Saudi Arabia can take COVID-19 vaccine, health ministry, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, UK की। UK क्या ये क्या कहता है? UK का ये कहता है, मैंने कल ही पढ़ा है कि during pregnancy and while there is no known risk with giving inactivated virus or bacterial vaccines to or toxoids during pregnancy or while breastfeeding, ये UK की गवर्नमेंट वेबसाइट जो है, पब्लिक हेल्थ वेबसाइट, वो कह रही है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है। सर, किसी व्यक्ति को अगर बार बार जमाई आ रही हो, लंबी सांस, और वो सांस पूरी नहीं हो पा रही हो, तो ये भी कोरोना का लक्षण हो सकता है या फिर कुछ और इशू का? नहीं नहीं, आप थक गए बस। इशू है, लगभग 3 महीनों से अप्रोक्स ये सेम चीज हो रहा है। नहीं, कोरोना तो 3 महीने चल ही नहीं सकता ना। कोरोना अगर होगा तो 2 सप्ताह चलेगा, 3 सप्ताह चलेगा। और नहीं, लंबी जमाई आना कोरोना का लक्षण नहीं। आप हो सकता है आप थके हुए हो, नींद पूरी नहीं हो रही हो, और कुछ हो सकता है। सीआरपी सीबीसी इंटरल्यूकिन 6 डी डाइमर कराने के लिए डॉक्टर सजेशन दे रहे हैं, क्या कितना सिग्निफिकेंट है? सच बताऊं तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सारे टेस्ट हैं, सारे टेस्ट यूजफुल हैं, पर उनका करना क्या है ये बात है, डॉक्टर उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करते हैं। सीआरपी बढ़ा ही रहता है, हमको मालूम है सीआरपी बढ़ता है, कोई नई बात नहीं। कोरोना में सीआरपी बढ़ता है, ये मालूम है। और सीआरपी एक ऐसी चीज है जो कि क्या बताता है, आपको बताता है कि कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन है, जो थोड़े दिनों बाद घट जाएगा। थोड़ा समय लेता है घटने में, ये आने में भी समय लेता है और जाने में भी समय लेता है। तो सीआरपी का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फुल ब्लड काउंट में आप को लिम्फोसाइट कम आता है, ये सब मालूम है कि वो बढ़ा रहता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा रहता है। डी डाइमर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि यूज करने के लिए डॉक्टर को उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है समझना है। डी डाइमर, जब ब्रेन में ब्लड क्लॉट होता है तो डी डाइमर बढ़ता है। समस्या यह है कि डी डाइमर ब्रेन, इसका ब्रेन कह रहा हूं सॉरी, लंग में ब्लड क्लॉट होता है तो डी डाइमर बढ़ता है, लेकिन डी डाइमर लंग में ब्लड क्लॉट का डायग्नोसिस नहीं करता। अगर ये नॉर्मल है तो रूल आउट करता है, कहता है कि हाँ ब्लड क्लॉट नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है
तो ये आपको कुछ नहीं बताता, फिर आपको स्कैन करना होता है। तो ये सब डॉक्टर के डिसीजन की बात है। अब मैं डॉक्टर की सर्किल में डिस्कस कर रहा होता तो मैं कहता कि डी-डाइमर को कैसे यूज करना है, इस पर बात करते। डी-डाइमर हमारे हाथ में, डी-डाइमर एक मतलब मरीज के हाथ में डी-डाइमर एक यूजलेस टूल है। उसका उस इंफॉर्मेशन का आप कुछ नहीं कर सकते। उस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में डाल के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कितना है और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं के आधार पर डॉक्टर को डिसीजन लेने हैं। इसलिए डॉक्टर करा रहे हैं तो आप करने दीजिए, पर खुद से उसको इंटरप्रेट करने का प्रयास मत कीजिए। सीआरपी बड़ा मिलेगा आपको, इंटरल्यूकिन 6 बड़ा मिलेगा, डी-डाइमर बड़ा मिल भी सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है। अगर नॉर्मल है तो खुशी की बात है, अगर बड़ा हुआ है तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मुझे एक दिन बुखार आया था, फिर मैं पूरी तरह ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ है। बाद में एंटीबॉडी चेक कराया तो एंटीबॉडी आया। आपको अगर सिम्टम से मुक्त है तो आप कोरोना से मुक्त है। कितना दिन हो गया, सवाल ये है, क्योंकि मैंने कहा कोरोना सेकेंड वीक में ज्यादा बुरा होता है। अगर इस आपको बुखार आए हुए 2 वीक हो गया, आपको अब कोई बुखार उखार नहीं आया है, तो आप कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। Can heart patient who had heart attack with stent take COVID vaccination? Yes, I think there is no contraindication. Heart patients COVID vaccination ले सकते हैं, बल्कि उन्हें लेना ज्यादा जरूरी है। UK में तो सारे heart patients को, lung patients को, diabetes patients को पहले दिया गया, क्योंकि वे high risk थे। तो जो भी high risk patient हैं, जिनको COVID होने का risk ज्यादा है, उनको COVID से बचाव का फायदा भी ज्यादा है, इसलिए उनको पहले दिया गया। यह जो टाइफाइड वाली बात आ रही है, यह भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। ये जो टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यह कोई कंफर्म नहीं है कि वो टाइफाइड ही हो। यह टाइफाइड का टेस्ट बहुत नॉन स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है या स्पॉट टेस्ट होता है, वो बहुत सारे कंडीशंस में पॉजिटिव आता है। तो अभी टाइफाइड से ग्रसित है और अब जाके रिकवर हुए हैं, या कितने दिन पहले की बात? नीलेश जी सर, वो 2-3 दिन पहले अभी रिकवर हुए। अच्छा, उनको टाइफाइड के कोई सिम्टम थे या खांसी बुखार था? खांसी बुखार ही था सर। तो उनको कोरोना ही रहा होगा। ये बहुत सारे लोगों का कोरोना पॉजिटिव है और टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, ये बहुत सुन रहा हूँ मैं लोगों से। अगर उनको खांसी, क्योंकि कोरोना में खांसी क्यों होगा, इसमें टाइफाइड में खांसी नहीं होती है, टाइफाइड में पेट की प्रॉब्लम होती है, डायरिया होता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उल्टी होती है। जी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था उनको, तो वो अभी जाके रिकवर हुए, मतलब अब नॉर्मल स्टेबल है। हाँ, तो उनको कोरोना ही हुआ होगा। बहुत मैं सुन रहा हूँ कि कोरोना पेशेंट को टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको उनको टाइफाइड हो। टेस्ट पॉजिटिव है ना, क्लिनिकली अगर उनको खांसी है, ब्रीदिंग ट्रबल है, बुखार है, तो मोस्ट लाइकली कोरोना है। और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं सुन रहा हूँ कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं। आप उसको कोविड मान के चलिए, जब वो बिल्कुल पूरी तरह, उनका इलाज जो है इससे तो नहीं हुआ था ना, प्लाज्मा नहीं चढ़ा है, तो नहीं सर, बिल्कुल ठीक होने के बाद, तो बिल्कुल जब उनका बुखार उखार उतर जाए, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, 1 सप्ताह का गैप दीजिए, वैक्सीन दिला दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। सलोनी जी, अचानक से मेरे सिर में दर्द, घुटन जैसा फील होना, चक्कर आना और फिर खुद ठीक, जो ठीक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे पब्लिक फोरम में मैं इस तरह की एडवाइस मैं 20 लोगों के बीच में नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं। सलोनी जी, आप बाद में मुझसे संपर्क कर सकती हैं, बाद में हम आपसे बात कर लेंगे इस बारे में। कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड, क्या दोनों इक्वली सेफ है? मान के चले दोनों इक्वली अनसेफ है, पर कोरोना इन दोनों से ज्यादा अनसेफ है, तो जो मिल रहा है वो ले लें। इसके बारे में मतलब मेरे पास ऐसा डेटा बहुत नहीं है कि इन दोनों में एग्जैक्टली 2% 1% का इधर उधर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मिलता है वो ले लें। लोगों ने जो दोनों में से कोई भी वैक्सीन ली है, उन्हें कोरोना या तो नहीं हुआ है, या हुआ है तो हल्का हुआ है।
कोरोनिल मेडिसिन भी कोरोना से लड़ने में काम आ रहा है क्या, मैं नहीं पता मुझे, लेकिन लेने में नुकसान किया है कोरोनिल। कोई आयुर्वेदिक दवाई है, कोई इसकी बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है। और एग्जैक्टली वो क्या फायदा करती है और बीमारी के ड्यूरेशन को घटाती है या बीमारी को होने से रोकती है या जिसको हो जाता है उसको सीरियस होने से रोकती है या जो लोग लेते हैं उनमें डेथ रेट कम है, ऐसे कोई ऐसा कोई डेटा हमारे पास है। नहीं, लीवर में सूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है इंजेक्शन लेने में, जी नहीं नहीं है। आप लीवर का प्रॉब्लम इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, सारे जो FAQs है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, आप लिख के डालेंगे गूगल पे, गूगल आपको उसका जवाब दे देगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इतने सारे, मैं भी मुझे ये सारे चीज मुझे नहीं पता होते हैं, मैं जैसे मुझे सामने क्वेश्चन आते गए, क्योंकि तो वैक्सीन देना हमारा काम नहीं होता, हमारा काम पेशेंट जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनका इलाज करना होता है, मैं एक्यूट फिजिशियन, वैक्सीन देना जीपी का काम होता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई पूछता है तो मैं गूगल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्या लिखा है। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जिसने लिखा है उसने तो रिसर्च करके ही लिखा होगा ना, आखिर वो इसी काम को कर रहा है, उसको ये काम दिया गया है, तो मैं उसकी वेबसाइट से पढ़ लेता हूँ, हेल्थ की, यहाँ की गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो ऐसे ही आप गूगल करके कोई भी एक रिलायबल वेबसाइट से सारे क्वेश्चन, लोगों के अफवाहों पे न जाएं, कोई कहता है इसको नहीं पढ़ना चाहिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए, आप गूगल करके देख लें और रिलायबल साइट से, मतलब जो ऑफिशियल साइट है वहां से, गूगल पे कुछ भी मिल जाता है। कोविड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन, सही बताएं तो इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो एलोपैथी में नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई मेडिसिन नहीं होती है। आयुर्वेद में ये कंसेप्ट है, तो जो आयुर्वेद जानते हैं उन लोगों से बात कर लें, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं होती है। कुछ लोग जिंक देते हैं, कुछ लोग विटामिन देते हैं, मैं उस तरह के काम जिसका मुझे पक्का नहीं पता कि हाँ ये बढ़ाती है, मैं उस तरह के प्रॉमिस नहीं कर पाता। कोविड 19 RT-PCR है या क्या है, वीलेट है, नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, या एंटीजन किट टेस्ट, दोनों टेस्ट होते हैं, RT-PCR भी होते हैं। RT-PCR में क्या करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से वायरस के आरएनए को ग्रो करा के उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और एंटीजन में सिर्फ एंटीजन टेस्ट होता है। RT-PCR अधिक रिलायबल टेस्ट और वैलिड टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, तो RT-PCR अधिक सेंसिटिव टेस्ट है। सामान्य जन साधारण का रहन सहन भोजन कैसा हो, या तो भाई कभी भी यह बात लागू है कि रहन सहन भोजन स्वस्थ हो जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की बैलेंस्ड मात्रा हो, कैलोरी का सफिशियंट अमाउंट हो, तो कभी भी जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्वस्थ भोजन है वही कोविड की स्थिति में भी स्वस्थ भोजन है, इसमें अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है इस बारे में। इम्यूनिटी को लेकर बहुत यह है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, दुर्भाग्य से जो दुनिया का डोमिनेंट हेल्थ सिस्टम है जिसको एलोपैथी कहते हैं, उसके भीतर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि इस दवाई से आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, इसका कोई कंसेप्ट नहीं। हम बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज करते हैं बस। मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने इतने सारे इतना समय दिया है कि हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत समस्या भी आज काफी निदान हो गया है। अंत में तो बस यही एक सवाल मैं पूछता हूँ और उसका बताइए कि आपको क्या लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जैसा कुछ है या एक सामान्य तो डॉक्टर की हैसियत से मैं